सीमा जी फलस्तीन, वो अमेरिका अमेरिकन बच्चे के साथ जो हुआ वो एकदम गलत हुआ, उसको गलत सब पूरी दुनिया ठहरा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको सही ठहराएगा, और भारत में ऐसा ना हो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर जब भारत के अंदर ही बैठकर सीडब्ल्यूसी का जो रेजोल्यूशन आता है उसमें आप इसराइल के बारे में एक संविदा का शब्द नहीं बोलते। हुसैन दलवाई साहब ये कह देते हैं कि जो हमस के आतंकवादी हैं वो तो शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह फ्रीडम फाइटर्स हैं, उससे हमें दिक्कत है। हमें दिक्कत है उन लोगों से जो मोहम्मद शाह ने राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेता वो ये कहते हैं कि हमस के जो आतंकवादी हैं तुम ही असली मुजाहिदीन और हक की लड़ाई कर रहे हो। हमें दिक्कत उन लोगों से है जो लगातार इन हमस के संगठन का, आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं और राहुल गांधी चुप्पी साध कर बैठे। हमें दिक्कत उन लोगों से है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं और वहां जाकर हमस का समर्थन करते हैं। हमें दिक्कत वो है कि जब आप मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, SDPI जाके सॉलिडारिटी की मीटिंग बुलाता है हमस के आतंकवादियों के लिए, और वही SDPI जो PFI का समर्थन, और PFI कौन है, 2020 से लगातार आतंकी संगठन का समर्थन करता है, और 2019 प्रकार इन्होंने दंगे भड़काने का काम करिए, हम सबने देखा बैंड है वो, इधर बैठ कर राजनीति मत करिएगा। ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगी, मैं दोनों के पास आऊंगी, लेकिन एक बार मैं जरा एक्सपर्ट्स का भी रुख करूंगी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं एक एक करके एक्सपर्ट से भी बात करना चाहती हूँ। विनोद दत्ता सर, आपने देख लिया भारत में किस तरीके से इस मसले पे राजनीति होती रही है। मुझे लगा था कि अगर जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है तो शायद आतंकी संगठन को या आतंकियों को आतंकी कहने की हिम्मत भारत के कुछ राजनेता रखेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। विनोद दत्ता सर, देखिए जो भारत के प्रखर और मुखर जो नेता है वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। अब भारत ने देखिए हमेशा आतंकवाद को, जैसा निखत जी ने भी कहा है कि भारत ने हमेशा आतंकवाद की मजम्मत की है, उसने देशों को मजहब के ऊपर या उनकी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसके ऊपर कभी नहीं बांटा है, ना कभी उनको तर्जियत दी है। आप देखिए तुर्की के भारत के साथ कोई बहुत ज्यादा मधुर संबंध नहीं है, लेकिन जब वहां जलजला आया तो सबसे पहले भारत की टीम पहुंची। क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम का तो हम उस हर शब्द का जो मतलब है उसको बिल्कुल एक रेशे से हम उससे सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ इसी में, ये सवाल मेरा शैलेंद्र सर से भी रहेगा और आपसे भी रहेगा। जो बाइडेन का भी इस बीच में इस तरीके का इस्लामोफोबिया का स्टेटमेंट देना, फिर गाजा को लेकर ये स्टेटमेंट देना कि नहीं आप गाजा पे कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि इसराइल के सिर्फ वो साथ नहीं है बल्कि हथियार भेज रहे हैं, इस स्तर का रिश्ता है, लेकिन फिर गाजा को लेकर भी स्टैंड, मतलब जो बाइडेन अपनी छवि किस तरीके से रखना चाहते हैं इस पूरे युद्ध के माहौल में। देखिए बाइडेन साहब का जो स्टेटमेंट है कि आप उस पर कब्जा न करें, देखिए अमेरिका ने कोई युद्ध अपनी भूमि पर नहीं लड़ा है, और उसको सबसे पहली दहशतगर्दी की जो रेसिपी टेस्ट करनी पड़ी थी वो ट्विन टावर जब उसके हिट हुए थे। तो उसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब गाजा पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते, अगर इस तरह ही मासूमों पे अटैक होते रहे, उन पे हमला होता रहा, और इसराइल को अगर ऐसे ही एक डर के साए में रहना पड़े तो कौन देश चाहेगा। और इसराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, उसने गाजा को नुकसान पहुंचाने की कसम नहीं खाई है, वहां के लोगों को पानी भी मुहैया कराया है, उसने उनको ये वार्निंग दी है कि आप 24 घंटे में खाली कर दें इसको। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो उस एरिया को सैनिटाइज करके वहां के लोगों को वहीं उनका जो विस्थापित हुए हैं लोग उनको दोबारा रिसेटल करेगी। तो उनका एम किसी समुदाय के विशेष के खिलाफ नहीं है, केवल आतंकवाद के खिलाफ है। जो अब हमास अगर आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप मुझे बताइए कौन सा रिलीजन ये आपको अलाउ करता है कि आप बच्चों के साथ इस तरह से बर्बरता के साथ पेश आइए। तो हर रिलीजन हर मजहब यही सिखाता है कि कैसे महिलाओं का एहतराम हो, बच्चों का परवरिश कैसे ढंग से हो। सर मैं आपके पास आती हूँ शैलेंद्र सर, मुझे आपसे भी यही पहलू यही पॉइंट समझना है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि अगर हम देश नहीं भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के अगर हम आतंकी घटनाओं के आंकड़े उठाकर देखते हैं तो न चाहते हुए भी एक धर्म का एंगल आता ही है, और कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, वो सिर्फ भारत में बैठे नहीं है, वो अलग अलग देशों में भी है, जो इस सच्चाई को स्वीकारते भी नहीं है कि हाँ इसका एंगल है। अब ऐसे वक्त में एक जो बाइडेन का बयान आ जाना, दो मिनट के लिए आप जो बाइडेन और पूरी दुनिया को एक साइड रख दीजिए जी, आजकल हम एक नई दिशा में चल पड़े हैं कि मैं मेरा देश फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, अगर इसी को लगाना है तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही है वो कर कौन रहा है,
चलिए कोई बात नहीं, अब आप हमास पे आ जाइए, इसराइल पर आ जाइए। 6 तारीख तक सब कुछ ह्यूमैनिटेरियन हो रहा था, पानी भी जा रहा था, बिजली भी जा रही थी, तेल भी जा रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 7 तारीख को जो हुआ वो कौन सा ऐसा भगवान का प्रसाद है, ये कौन सा ऐसा इस्लाम का प्रसाद आपने दिया है या बांटा है कि सब कुछ खराब हो गया? आज आप इसराइल को ब्लेम करें, बिल्कुल करिए ब्लेम, मना नहीं है। 7 तारीख का ब्लेम किसको देंगे? आप क्या मानेंगे कि ये इस्लाम की इबादत है? ये वहां पर आपको इस्लाम ये सिखाता है कि अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से मार कर रही है, ये अलाउड है? हमास के टेररिज्म से रिलेटेड कोई डाउट है? हिजबुल्ला के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर, देखिए बाइडन हमेशा बैलेंस स्टेटमेंट रखेंगे अपनी जिंदगी, क्योंकि ये उनके देश का सवाल है। जहां तक मेरे देश का सवाल है, टेररिज्म का साथ देना, आप टेररिस्ट हैं अगर आप टेररिज्म का साथ देते हैं, आप टॉलरेट करते हैं, आप टेररिस्ट हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगी एक एक करके, मैं जरा आखिरी कमेंट अब निखत जी और सैयद जी से भी ले लेती हूँ। निखत जी, इस देश में, सैयद जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले निखत जी से बात कर लूं। ठीक है निखत जी, मेरा सवाल यह है कि हमने इसी देश में देखा है कि धर्म के नाम पे, मजहब के एंगल से कई बार आतंकियों के जनाजे में लोग गए, कई बार आतंकियों के लिए आंसू बहाए। और आप देखिए, ये कोई आम लोग नहीं थे रीमा जी, ये वो लोग थे जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। ये वो लोग थे, मैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर खुले तौर पर बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें याद है बाटला एनकाउंटर की बात, किस प्रकार सोनिया जी ने घड़ियाली वो आंसू भी बहाए थे और कहा था कि देखिए मेरे तो आंसू बह रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि मेरे को कितने बच्चों को बुरा लगा और बच्चों को हाय मार दिया, छाती पीटी गई थी, ये सब हमने देखा है। लगातार पुलवामा के हमले के बाद किस प्रकार इन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की सेना के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिए थे और उन पर सवाल खड़े करे थे और कहा था कि वहां पाकिस्तान में जाकर आतंकी खेमों को नहीं बल्कि पेड़ों को गिराया गया, कौओं को गिराया गया। ठीक है, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये कहने में बहुत अच्छी लगती है बातें कि धर्म, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन जब आंकड़े आप उठा के देखेंगे तो चौंक जाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।